एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, तो जी हाँ, मैं बताने वाली हूँ कि आपको वैक्सिंग वैक्स करते हुए क्या चीजें ध्यान में देनी है। जैसे कि मैंने कराया था वैक्स एंड मुझे रेडनेस हो गई है, रैसेस नहीं हुई, रेडनेस हो गई, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। एंड यहाँ पर मैं स्क्रीन में भी आपको फोटो लगा रही हूँ, आप देख लीजिए कि वैक्सिंग के बाद ऐसी, मतलब ये मेरी गलती है कि ऐसे क्यों हुई है, क्योंकि मैंने वैक्सिंग करने के बाद कुछ भी अप्लाई नहीं किया। मुझे पता था कि मैं कुछ नहीं लगाऊंगी तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, बट फिर भी मैंने नहीं लगाया उस वक्त, तो गलती मेरी है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आप वैक्स करने के बाद और वैक्स करने से पहले क्या बातें ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये वीडियो बहुत लोगों को लगेगा कि ये फालतू का मैंने ये वीडियो दिया, बट ये फालतू की वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन क्लास करा रही हूँ एंड वैक्स से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उसकी सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। सो वैक्स करने से पहले आप ऑलवेज एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाइए। मैंने नहीं लगाया था, मैं पहले अपनी गलती बता देती हूँ कि मेरी गलती की वजह से ही मुझे ये रेडनेस हुई है। ना ही मैंने एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाया था वैक्स करने से पहले, और ना ही वैक्स करने के बाद मैंने कोई एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाया, कोई आई स्रब नहीं किया मैंने, कोई ठंडा पानी नहीं लगाया, कोई मसाज क्रीम नहीं लगाया एंड कोई बॉडी लोशन भी नहीं लगाया। इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जब हम वैक्स करते हैं, हॉट वैक्स करते हैं, तो वैक्स गर्म होती है, जैसे कि हॉट वैक्स नाम से ही लग रहा है कि गर्म होती है, तो गर्म होने की वजह से जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो ओपन पोर्स को आपको श्रिंक करना पड़ता है, उसे बंद करना पड़ता है, उस पोर्स को भरना पड़ता है, जिस वजह से आपको रेडनेस वाली प्रॉब्लम ना आए, रैसेस ना आए, बम्प्स ना आए। इस वजह से ये मेरी हुई है, क्योंकि मैंने वैक्स कराने के बाद मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, इस वजह से हुई है, पोर्स ओपन के ओपन रह गए हैं, कोई भी डर्ट वगैरह उसमें गई है, तो एक दो घंटे में ही मुझे ये रेडनेस आ गई थी। तो वैक्स करने से पहले आप ये बात का ध्यान रखिए कि वैक्स करने से पहले आप एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाइए, ऑल स्किन के लिए मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि सेंसिटिव स्किन को ही इसकी पैसा करना पड़ेगा, ऑल स्किन टाइप के लिए मैं बता दूं। वैक्स करने से पहले आपको सबसे पहले वैक्स की वैलिडिटी चेक कर ले, हालांकि मेरी वैक्स ठीक थी, बट मैं ये बता रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करें पहले वैलिडिटी चेक करें कि वो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई है, वो चेक करना है फर्स्ट। सेकंड, आपको वैक्सिंग करने से पहले आपको, अगर आप बाहर से धूप से आ रहे हो या फिर बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा समय होता है, ठंडा पानी पहले लगाइए, उसके बाद एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाइए, उसके बाद आप पाउडर लगाइए, ताकि अच्छे से जो भी हमारा स्वेट होगा, ऑयल होगा, वो पूरा ड्राई हो जाए। देन इसके बाद, पाउडर के बाद आप वैक्सिंग करेंगी। वैक्सिंग होते ही आपको या तो ठंडा पानी से धोना है, क्लीन करना है अपने जहां पर आपने वैक्स किया है, या तो आप आइस रब करो। आइस रब करने के बाद या ठंडा पानी लगाने के बाद एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाइए। एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाने के बाद आप कोई भी बॉडी बॉडी लोशन लगा लीजिए या फिर कोई भी मसाज क्रीम लगा लीजिए, बट लगाइए जरूर, क्योंकि पोर्स को लॉक करना बहुत जरूरी है, इसे भरना बहुत जरूरी है। पोर्स ओपन रहेंगे आपको ये सारे प्रॉब्लम होगी, बम्प्स निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने जो होते हैं उनको बम्प्स बोलते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रैसेस हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, जैसे कि मेरी हुई है। तो खैर, मुझे सिर्फ रेडनेस हुई है, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इचिंग भी नहीं हो रही है या फिर जलन, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ रेडनेस आ गई है। मैं क्या बताऊं, मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली थी तो इसलिए मैंने वैक्सीन करवाया था, बट अब मैं पहन ही नहीं पाऊंगी, हेयर रहते चलता, बट अब रैसेस तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सो ये गलती आप लोग मत करना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग ये गलती ना करो। एंड इंस्टेंट आप अगर वैक्स करा रहे हो या आप अपने क्लाइंट के ऊपर वैक्स कर रहे हो, तो आप जैसे आप देखो रेडनेस आ रही है या फिर ऐसा होता है जैसे मच्छर काट लेता है तो कैसा हल्का सा फूल जाता है, वो हो गया है या रेडनेस आ गई है, बम्प्स आ गई है या रैसेस आ गए हैं, आप इंस्टेंट वैक्स होते ही इंस्टेंट आइस रब करिए एंड अपनी क्लाइंट को बोलिए कि आप घर पे भी जाके आप आइस रब करिए, वो आइस रब करने से ही ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगी ना। मेरे पैर में जो रेडनेस आ गई है उसको मैंने कैसे सॉल्व किया है मैं बता दूं, अभी तक हालांकि पूरे 100% सॉल्व नहीं हुई है, ठीक नहीं हुई है, लेकिन आप मैंने क्या किया है, मैं कल करवाई थी, एक दिन पहले करवाई थी और दो घंटे के अंदर मुझे ये रेडनेस आ गई थी, तो मैंने अभी तक 5 से 6 बार आई स्क्रब किया है, हालांकि रेडनेस जो थी वो लाइट हो गई है, बट अगर मैं उसे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो रेड ही दिखेगा, लाइट की वजह से रेड ही दिख रहा है, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया। तो ये आप जितना आइस रब करोगे वो उतना जल्दी ठीक हो जाएगा, और मुझे लगता है कि और 12 आवर्स में मेरी पूरी 100% रेडनेस जो है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं बार बार आइस रब कर रही हूँ। तो ये कुछ टिप्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी वैक्सिंग करते वक्त, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन की क्लास करवा रही हूँ,
एंड उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी एंड सॉल्यूशन भी शेयर करूंगी। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा, स्पेशली गर्ल्स के साथ जो वैक्स कराती हैं और उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि वैक्स करने के बाद रैसेज आ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, तो हम क्या करें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है एंड आप लोग ये गलती कभी मत करना जो मैंने की है। यू नो इंस्टेंट मैंने वैक्स कराया, मेरे घर में गेस्ट आ गए थे तो मैं तुरंत चली गई, मुझे ध्यान से निकल गया कि मुझे एस्ट्रोजन लोशन या फिर कोई बॉडी लोशन लगाना चाहिए था, मेरे दिमाग से निकल गया और वो गलती का मुझे अब पछतावा है एंड वो मैं झेल भी रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, गलती ये होती है, गलती से ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि ये गलती नहीं होती तो शायद मैं ये वीडियो भी अपलोड नहीं करती, बट हुई बल्कि मैं वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ही आगे भी मैं आपके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम अगर होती है तो सॉल्यूशन के साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।